दोस्तों मार्केट में बहुत तरह के स्लाइम किट हैं जो अवेलेबल हैं, तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा ही किट जहां पे आप 5 तरह के जो स्लाइम है वो बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वाकई में हम घर में बैठे हुए बहुत ही आसानी से इतनी अच्छी स्लाइम बना सकते हैं या नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और मैं यहां पे टॉय गेम्स की अनबॉक्सिंग करता रहता हूं। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पर बॉक्स है जो दिखता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं एज है जो 8+ है, तो उससे छोटे बच्चे यहाँ पे बिल्कुल ट्राई ना करें। और ये आता है एकता की तरफ से जो काफी अच्छा ब्रांड है, और यहाँ पे हम 5 तरह के स्लाइम जो है बना सकते हैं, मेटलिक, ग्लिटर, कलर, ग्लो एंड क्रंची। तो जल्दी से यार ओपन करते हैं बॉक्स को और निकालते हैं इसके कंटेंट्स को बाहर और शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट स्लाइम बनाने का। तो दोस्तों बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर रखी हुई है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, और इसके अंदर जो है सारे मेथड्स लिखे हुए हैं हर तरह की स्लाइम्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप इसे ज़रूर पढ़ लें क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको ये बाउल जैसे कुछ दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं मिक्सिंग करने वाला बाउल। इसके अंदर जो भी हम सॉल्यूशन है वो मिक्स करेंगे, तो 4 ऐसे बाउल मिलते हैं। उसके साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे यार एक मेजरिंग हमारे पास कंटेनर है, और यहाँ पे 100 ml तक की मार्किंग की गई है, तो इसको भी रख देता हूँ साइड में। इसके नीचे कुछ और आपको ये प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे होंगे, 4 यहाँ पे ये दिख रहे हैं कंटेनर, और इसमें लिड भी है, तो जो भी हमारी स्लाइम बनेगी उसको स्टोर करने के लिए ये कंटेनर दिए गए हैं, तो इनको भी रख देते हैं साइड में। यहाँ पर कलर स्लाइम बनाने के लिए 6 कलर्स हैं, तो इन्हें भी रख देते हैं हम साइड में। और यहाँ पर 4 ग्लू मिलती है हमको, और एक में जो क्वांटिटी वो है 50 ml की, तो इसको रख देते हैं साइड में। और ये कुछ फोम बॉल है, अब अगर हम फोम वाली स्लाइम बनाते हैं तो उसके अंदर मिक्स करने के लिए। और ये लास्ट में एक पैकेट है, इसको हम खोल लेते हैं, इसके अंदर भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे हमको आइसक्रीम स्टिक मिलती है जो भी हम मिक्सचर सॉल्यूशन बनाएंगे उसको मिक्स करने के लिए। और यहाँ पे हमको 2 मेजरिंग बियर मिलते हैं, इसमें जो है अच्छे से लिखा हुआ है कितना कितना डालना है हमको। और एक स्पून सिंपली, ये भी मिक्स करने के लिए, या फिर जो भी हमारा बोरिक्स पाउडर से निकालने के लिए। ये है स्लाइम पाउडर्स जो अलग अलग टाइप्स की स्लाइम बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। और लास्ट में जो यहाँ पे चीज़ निकलती है वो है स्लाइम एक्टिवेटर, जिसे हम बोरेक्स पाउडर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स हो चुका है खाली, तो जल्दी से शुरू करते हैं प्रोसेस से बनाने का, और देखते हैं कि यहाँ पर स्लाइम बनती है या बनता है हमसे हलवा। दोस्तों यहाँ पर हमको 2 तरह के सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं, एक तो है बोरेक्स सॉल्यूशन और दूसरा है ग्लू सॉल्यूशन। तो जल्दी से पहले हम बोरेक्स सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बोरेक्स सॉल्यूशन बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आप 100 ml जो है वो हॉट वाटर ले लेना, मैंने ऑलरेडी इसमें ले लिया है, और उसको आपको सिंपली इस बाउल में पोर करना है। और उसके बाद में आपको जो है ये बोरेक्स सॉल्यूशन निकालना है 2 ग्राम, तो मैं 2 ग्राम्स निकालता हूँ इसमें से। उसके लिए जो ये इसका एक स्कूप है छोटे से स्पून का, वो 2 ग्राम के बराबर है। तो ये 2 ग्राम जो है बोरेक्स पाउडर आप इसमें मिला दीजिए, और इसको आपको 3 मिनट्स तक ऐसे घुमाना है ताकि ये अच्छे से घुल जाए। तो 3 मिनट हो गए इसे घुमाते घुमाते, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, बट ये अभी तैयार नहीं हुआ है। इसे तैयार होने में अभी 30 मिनट और लगेंगे, तो आपको 30 मिनट्स के लिए इसको साइड में रख देना है। तब तक जो है हम अपना दूसरा वाला सॉल्यूशन है उसे तैयार करते हैं। दोस्तों दूसरा सॉल्यूशन जो यहाँ पे हमको बनाना है वो है ग्लू सॉल्यूशन, और उसके लिए हमको इस जो जार में 10 ml जो है पहले ग्लू डालनी है। तो यहाँ पे 5 ml की जो है वो लेयर बनी हुई है, तो उसके हिसाब से आप 10 ml इसमें डाल देना। अब आपको इसमें क्या करना है, नॉर्मल वाटर, ये नॉर्मल वाटर है टेप वाटर, 20 ml इसमें डालना है। तो मैंने पहले से मेजर कर लिया था इस पानी को, और ये 30 ml का हमारा जो सॉल्यूशन है इसको आपको सिंपली 30 सेकंड तक हिलाना है। तो यहाँ पर 30 सेकंड हो चुके हैं इसे मिक्स करते हुए। अब आपको सिंपली करना क्या है, इस सॉल्यूशन को इस छोटे वाले जार में डाल देना है, और 30 मिनट्स के लिए सेम वैसे ही इसको हम साइड में रख देंगे ताकि ये कम्प्लीटली तैयार हो सके। दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों सॉल्यूशन है वो रेडी हो चुके हैं, तो मैं जो है ट्राई करूँगा ये ग्लिटर वाली स्लाइम। उसके लिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले जो है 1 जो ये छोटा सा स्पून है इसका 1 स्कूप हम ले लेंगे, और ये जो स्कूप है हमको जो हमारा सॉल्यूशन है ये ग्लू का इसमें मिला देना है, और इसको अच्छे से 30 सेकंड्स तक हमको मिक्स करना है।
तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमको क्या करना है कि जो ये हमारा छोटा सा ट्यूब है इससे हमको ये 8 ml लेनी है और 8 ml जो है इसमें मिक्स करना है। बट 8 ml जो एक साथ मिक्स नहीं करना है, ये 3 ml का है इसका कैपेसिटी। तो आपको 2-3 बार 3 ml 2 ml ऐसे लेना है और इसको 3-4-5 मिनट तक स्टिर करते रहना है। तो मैं जो है यहाँ पर सबसे पहले 3 ml लेता हूँ। तो एक बार में जो है 2 ml आ रहा है यहाँ पे, तो 2 ml इसमें पोर करते हैं हम और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और इसको आपको अच्छे से हिलाते रहना है, इसे छोड़ना मत, नहीं तो जो है हमारा जो बोरेक्स का जो सॉल्यूशन है वो अलग थलग हो जाएगा। तो यहाँ पे यार 2-3 मिनट फिलहाल हो चुके हैं इसको, तो अभी जो है अभी भी ये तैयार नहीं हुई है। आपको क्या करना है कि इस वाले जो हमारा ये बना हुआ है जो हाफ फॉर्म्ड ये हमारी स्लाइम है, इसको अपने छोटे से स्लिट वाले जार में 15 मिनट्स के लिए रख लेना है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हमारी जो स्लाइम है वो बनकर निकलती है। दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी स्लाइम जो है वो तैयार हो चुकी है। ऑलमोस्ट इसको 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसके अंदर। एक बार देख लेते हैं किस टाइप की है जो स्लाइम बनी हुई है। तो कुछ इस तरह से लग रही है। मैं निकालता हूँ इसे बाहर। तो यहाँ पे यार मुझको थोड़ी बहुत चिपचिप यहाँ पे लग रही है इसमें, और थोड़ा सा इसको और मैं मसलता हूँ। तो यहाँ पे स्लाइम जो है वो तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, बस हल्की फुल्की जो है ना आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी सी चिपक रही है। थोड़ा यहाँ पे मेरे को पानी पानी सा हल्का सा लग रहा है कि पानी छोड़ रही है, पर अगर मैं थोड़ी देर इसको ऐसे से दबाता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पे लग रही है। तो ऑलमोस्ट अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना अब ज़्यादा चिपक नहीं रही है। हल्का सा जो वाटरी वाटरी पहले था चिपचिप वो सब गायब हो चुका है और अब यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं आ रहा है हाथ में। तो शुरुआत में कुछ लगेगा आपको हल्का बहुत चिपचिप, बट फाइनली जो है मुझे ये ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास इतनी नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने जो है वो कम बनाई। बट ऑलमोस्ट आप इससे कुछ इस तरह से खेल सकते हो। तो यहाँ पर एक बार हम कलर स्लाइम भी जो है वो बना के देखते हैं और साथ में उसमें इस फॉर्म बॉल का भी हम यूज करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं इन दोनों स्लाइम के कंपैरिजन की, तो ये मेटेलिक वाली स्लाइम है यार आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ये स्पंजी है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट टाइप लग रही है। यहाँ पे बिल्कुल मज़ा सा ही आ गया था। बट ये वाली जो स्लाइम है इसमें यार देखिए आप थोड़ी सी ना ये हार्ड हो गई और ये ब्रेक, मतलब
कुछ इस तरह से ब्रेक हो जा रही है। तो इस लाइन में जो है मुझे इतना अच्छा वाला फील नहीं है, बट फिर भी ये जो है चिपक रही है आसानी से और इससे भी आप आराम से प्ले कर सकते हो। अगर बात करें हम इस पूरे किट की, तो यार पर्सनली मुझे ये किट काफ़ी इंप्रेसिव लगा, क्योंकि घर पर भी अगर आप ऐसी स्लाइम बना लेते हो तो यार इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।